1791 में भौतिक विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फैराडे का जन्म हुआ था। 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था। फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया। इस सिद्धांत पर भविष्य में जनरेटर और आधुनिक विद्युत इंजीनियरिंग की नींव पड़ी। इन्होंने विद्युत विश्लेषण पर महत्वपूर्ण कार्य किए और इसके नियमों की स्थापना की। इन नियमों को फैराडे के नियम कहा जाता है। विद्युत विश्लेषण में जिन तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनका नामकरण भी फैराडे ने ही किया था। क्लोरीन गैस का द्रवीकरण करने में भी फैराडे सफल रहे। परावैद्युतांक, प्राणी विद्युत, चुंबकीय क्षेत्र में रेखा ध्रुवित प्रकाश का घुमाव आदि विषयों में भी फैराडे का अहम योगदान रहा है। 1965 में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। भारत पाक के बीच चल रहे इस युद्ध को दूसरा कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद से ही कश्मीर के लिए दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में कोई साफ विजेता तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने जीत हासिल करने का दावा किया था, जबकि सच्चाई यह थी कि भारत की हालत इस युद्ध में पाकिस्तान से बेहतर थी। भारतीय सेनाएं सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हाजी पीर के दर्रे के ऊपर काबिज हो गई थी। युद्ध में दोनों देशों के हजारों लोगों की जानें गईं और दोनों ही देश आर्थिक रूप से लंबी लड़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं थे। इस लड़ाई के बीच रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सहित सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों में एक ही राय थी कि दोनों देश हर हालत में लड़ाई को खत्म करें। रूस के बीच बचाव की वजह से युद्ध विराम के करीब 4 महीने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। जनवरी में तत्कालीन सोवियत संघ के गणराज्य उज्बेकिस्तान की राजधानी में रूसी प्रधानमंत्री अलेक्सेई कोसिजिन की मौजूदगी में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 1980 में आज एक दिन ईरान और इराक के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। ईरान और इराक के बीच 3 हफ्तों से चल रही छोटी मोटी झड़पों के बाद 22 सितंबर को पश्चिम एशिया के दो देशों के बीच एक लंबी जंग की शुरुआत हुई। दरअसल दोनों देशों के बीच युद्ध का मुद्दा अल अरब की खाड़ी थी। यह खाड़ी तेल के निर्यात के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। इराक ने ईरान के कई फौजी ठिकानों और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर बमबारी कर दी। यह लड़ाई करीब 8 वर्षों तक चली। खबरों के मुताबिक इस युद्ध में करीब 4 लाख लोग मारे गए और 7.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 1988 में युद्ध को खत्म करने की घोषणा की गई। और 2011 में आज ही के दिन मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी का जन्म हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में पटौदी की दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बावजूद इन्होंने न केवल क्रिकेट की अपनी विरासत बरकरार रखी बल्कि भारतीय क्रिकेट को भी नई ऊंचाइयां दी। वे भारत, दिल्ली, हैदराबाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आदि टीमों के लिए खेलते थे। 1961 में पटौदी ने टेस्ट टीम से अपने करियर की शुरुआत की थी। यह टेस्ट मैच दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। 1962 में पटौदी को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंप दी गई। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाने वाले पटौदी ने 46 टेस्ट मैचों में 34.91 के औसत से 2793 रन बनाए थे, जिनमें 6 शतक, 16 अर्धशतक और 1 विकेट शामिल है। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 203 रन रहा था। क्रिकेट के अलावा पटौदी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1971 में इन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव गुड़गांव से लड़ा, लेकिन यहां उन्हें शिकस्त मिली। 1991 में उन्होंने भोपाल से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के सुशील चंद्र वर्मा से हार गए। इस चुनाव में खुद पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। पटौदी को भोपाल से चुनाव लड़ाने का फैसला राजीव गांधी का ही था।